तो जो टाइप 2 डायबिटीज है, खासकर उन्हें डॉक्टर लोग ये सलाह देते हैं कि आपको अपनी डाइट में से फैट प्रोडक्ट को कम करना है, मतलब अपनी डाइट में से जितने भी फैट वाले प्रोडक्ट है उसको आपने स्किप करना है, इससे आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं होगी। तो गाइस मुझे नहीं पता कि ये डॉक्टर लोग कहाँ से स्टडी करते हैं जिनको अभी तक ये ही नहीं मालूम कि जो हमारी डायबिटीज का मेन कारण है वो है हमारी डाइट में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाना, ना कि फैट प्रोडक्ट और प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करना। आपका जो डायबिटीज होने का मेन कारण है वो अपनी डाइट में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, आपके अनहेल्थी लाइफस्टाइल जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, ये लेने से आपको बीमारियां लगती है, आपको फैट प्रोडक्ट और प्रोटीन से कोई भी बीमारी नहीं लगती। गाइस मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद इसी दौर से गुजरा हूँ और अब भी गुजरा हूँ, अब भी मैं अपने ऊपर वो सारे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जिससे मुझे पता चलता है कि डायबिटीज में हमारे के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। सो गाइस जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उस बेस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी डायबिटीज है तो आपको अपनी डाइट में फैट प्रोडक्ट को जरूर शामिल करना है। गाइस इससे आपकी डायबिटीज ही नहीं, आपकी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे से रिवर्स होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसलिए आपको अपनी डाइट में डेली नट्स को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि नट्स में आपको गुड अमाउंट ऑफ फैट, प्रोटीन, कैरोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, इतना कुछ मिल जाता है कि इससे आपकी डायबिटीज तो रिवर्स होगी, साथ में आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, आपकी आईज के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छे नट्स हैं, इसलिए आपको अपनी डाइट में नट्स को जरूर शामिल करना है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेशन कंटेंट और डायबिटीज रिवर्सल वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल मिस्टर न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक फिट। गाइस आज मैं आपको 4 ऐसे सुपर नट्स के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप अपनी डायबिटीज रिवर्सल में अगर शामिल करेंगे, अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो इससे आप अपनी डायबिटीज को हमेशा के लिए रिवर्स कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज, अगर आपके लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और साथ में शेयर भी करना, ताकि आप जैसे कोई और भी लोग हैं जिनको डायबिटीज है वो भी ये वीडियो देखकर अपनी डायबिटीज को रिवर्स करें, उन्हें भी अपनी गुड इन्फॉर्मेशन आपको मिले। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो पहला सुपर नट्स है वो है आलमंड। आलमंड आपको सबको मालूम है कि आलमंड हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि आलमंड को डायबिटीज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल माना गया है, और डायबिटीज के लिए आलमंड सबसे पहले नंबर पर सुपर फूड है, क्योंकि गाइस इसमें आपको गुड फैट मिलती है जो कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी, क्योंकि बहुत सारे जो टाइप 2 डायबिटीज होते हैं उनको हार्ट की भी बीमारी लग जाती है साथ में, इसलिए ये आपकी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ आपको इसमें विटामिन ई मिलता है, साथ साथ आपको इसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो कि आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप डेली आलमंड्स खाओगे तो आपका जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल, धीरे धीरे वो नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको 3-4 या 4 बादाम डेली नहीं खाने, इससे आपकी बॉडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि आप डेली 5-6 बादाम खा सकते हो, तो गाइस इससे आपकी बॉडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप टाइप 2 डायबिटीज हो और आपका जो वेट है वो हेल्थी है, आपका वेट गेन है या आपका वेट हेल्थी है, तो आपको फिर भी कम से कम 15-20 बादाम डेली जरूर खाने हैं, इससे आपकी बॉडी को वो सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे जो कि आपकी डायबिटीज को फाइट कर आपकी डायबिटीज को नॉर्मल रेंज में लाना शुरू कर देंगे। और हाँ, अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है, जैसे कि जो टाइप 1 डायबिटीज होती है वो नॉर्मली बच्चों में जहाँ 20-25 साल की उम्र में भी पता लग जाता है कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है, अगर आपको टाइप 1 है तो आपका जो वेट है वो गेन नहीं हो रहा, तो आपको कम से कम डेली 40 से 50 आलमंड जरूर खाने हैं।
गाइस मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे भी टाइप 1 डायबिटीज है, और जब गाइस मेरा भी वेट बहुत कम था तो मैंने अपनी डाइट में आलमंड्स को लेना शुरू किया। गाइस मैं 40-50 ग्राम नहीं लेता था, आप मुझ पर ट्रस्ट करना, मैं डेली 100-150 ग्राम नट्स डेली खाता था, जिससे मेरा ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता था और मेरा डेली मेरा मतलब कि 1-2 महीने में मेरा वेट भी गेन होना शुरू हो गया। इसलिए अगर आप टाइप 1 डायबिटीज से आपको अपना वेट गेन करना है तो आपको अपनी डाइट में 40-50 ग्राम कम से कम आलमंड जरूर खाने चाहिए। इससे आपका ना तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा और ना ही आपका इससे डायबिटीज को कोई खतरा होगा, ना ही आपकी हार्ट हेल्थ को कोई खतरा होगा। बकायदा आलमंड खाने से आपका हार्ट हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए अपनी डाइट में आलमंड्स को जरूर डाइट अपनी डाइट में इसको लें। तो गाइस सेकंड सुपर नट्स है वॉलनट। तो गाइस वॉलनट को डायबिटीज की मेडिसिन भी बोला गया है, क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपके इंसुलिन रेसिस्टेंस को इंसुलिन सेंसिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए अगर आप डेली एम्प्टी स्टमक खाली पेट अगर आप वॉलनट का कंजप्शन करेंगे तो इससे आपका जो हाई ब्लड शुगर लेवल है, आपका फास्टिंग हाई ब्लड शुगर लेवल, वो डेली नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपनी डाइट में वॉलनट को ज़रूर ऐड करें। और कुछ लोगों को मिथ है जिससे वो वॉलनट को अवॉइड करते हैं कि उन्हें लगता है कि इसमें हाई अमाउंट ऑफ कैलोरी होती है जिससे उनका जो वेट है वो और बढ़ जाएगा। तो गाइस मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपका जो वेट है वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एक्सेस कैलोरी खाने से होता है, ना कि नॉर्मल या वॉलनट खाने से आपका वेट गेन होता है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज है तो आपको वॉलनट की कंजप्शन जरूर करनी चाहिए, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ साथ इसमें आपको विटामिन सी मिलता है, विटामिन B6 मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। सो गाइस इसलिए आपको अपनी डाइट में वॉलनट को डेली शामिल करना चाहिए, चाहे आपको डायबिटीज नहीं भी है फिर भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ साथ इसमें आपको बहुत गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है जो कि आपकी मसल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो गाइस इसके साथ साथ आपको वॉलनट हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत कम अमाउंट में होती है। और साथ साथ गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये आपके कैंसर सेल को भी प्रिवेंट करता है। सो इसलिए अगर आपको डायबिटीज है, आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है या आपको हार्ट डिजीज है तो आपको डेली अपनी डाइट में वॉलनट को जरूर शामिल करना चाहिए, ये आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा नट्स है। सो गाइस जो थर्ड नट्स सुपर नट्स है वो है पिस्ताचियो। गाइस पिस्ता एक बहुत ही बेनिफिशियल नट है आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, क्योंकि गाइस इसमें इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिससे अगर आप डेली अपनी डाइट में पिस्ता को ऐड करेंगे तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करेगा, ये आपके HDL लेवल को इंक्रीज करता है और LDL लेवल को डिक्रीज करता है, जिससे आपकी ये हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप डेली अपनी डाइट में पिस्ता को खाएंगे तो इससे आपकी हार्ट को भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो गाइस खासकर जो टाइप 2 डायबिटीज होते हैं उनको जो डायबिटीज होने का मेन कारण है वो है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का अपनी डाइट में शामिल करना और अनहेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। तो अनहेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करने से उनका इंसुलिन रेसिस्टेंस उनकी बॉडी में हो जाती है और इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से ही आपको बीमारियां लगती हैं, आपको डायबिटीज होती है और आपको हार्ट डिजीज होती है। और इसलिए जो पिस्ता है वो आपकी हार्ट डिजीज के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो फैट कंटेंट और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वो हार्ट डिजीज को दूर करते हैं। इसलिए आपको अपनी डाइट में पिस्ता को जरूर ऐड करना चाहिए। एक स्टडी हुई थी गाइस, उसमें ये देखा गया था कि उन जो डायबिटिक पेशेंट थे उनको कार्बोहाइड्रेट मील स्किप कर कर मतलब वो डेली जो भी अपनी कार्बोहाइड्रेट मील लेते थे उसको उन्होंने हटाकर उसकी जगह सिर्फ पिस्ता नट्स को ऐड किया, नट्स को उन्होंने डेली उसकी कंजप्शन में ऐड किया और एज ए रिजल्ट जो लास्ट में ये देखा गया
कि उनका जो HbA1c लेवल था उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई। HbA1c लेवल गाइस वो होता है जिसके आपसे ये पता लगता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो एक फूड से कितना बढ़ता है। तो गाइस जो नॉर्मल ब्लड शुगर अपना HbA1c लेवल होता है वो होता है 5.5, तो उसमें उनके जो HbA1c लेवल था उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई। इसलिए आपको डेली अपनी डाइट में नट्स को, पिस्ता को जरूर ऐड करना चाहिए। और एक गाइस और स्टडी हुई थी 2011 में, उसमें जो डायबिटिक पेशेंट थे उनको उनके कार्बोहाइड्रेट मील के साथ नट्स को मतलब कि पिस्ता को ऐड किया गया। मतलब कि वो जो भी अपनी कार्बोहाइड्रेट मील लेते थे जैसे रोटी चावल पास्ता लेते थे उसके साथ उसके बाद खाने के बाद उनको पिस्ता ऐड किया गया, जैसे हम गुड़ खाते हैं उनको पिस्ता दिया गया। और उसका भी जो एज ए रिजल्ट जो लास्ट में, ये स्टडी गाइस 3 महीने तक चली थी, और एज ए रिजल्ट जो लास्ट में ये निकला कि जितना उनका ब्लड शुगर लेवल ओनली चावल रोटी पिस्ता खाने से बढ़ता था उससे बहुत ज़्यादा कम उनका शुगर लेवल बढ़ा जब उनको उस कार्बोहाइड्रेट मील के साथ पिस्ता दिया गया। तो इसलिए गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी डाइट में पिस्ते को जरूर ऐड करना है, ये आपकी डायबिटीज को रिवर्स करने में, आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है उसको कम करने में, आपकी हार्ट डिजीज के लिए, आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फायदेमंद है। सो इसलिए नट्स को, पिस्ता को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। गाइस जो लास्ट सुपर नट्स है इसके बारे में गाइस बहुत लोगों को नहीं मालूम, और वो है हेजलनट। गाइस हेजलनट अगर आप डेली अपनी लाइफस्टाइल अपनी डाइट में शामिल करती है तो आपका कभी भी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज भी होता है तो वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गाइस जो हेजलनट होता है उसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं जो कि आपके इंसुलिन रेसिस्टेंस को इंसुलिन सेंसिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि आपके जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल से आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी बहुत हद तक कम करते हैं, जिससे आपकी हार्ट रिलेटेड कोई भी आपको बीमारी नहीं लगती। और शायद ये डायबिटीज को तो रिवर्स करते हैं, बट लेकिन जिसको डायबिटीज नहीं है अगर वो भी अपनी डाइट में हेजलनट को लंबे समय तक शामिल करेंगे तो उनको आगे जाकर कभी भी डायबिटीज नहीं होगी, कभी भी उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल नहीं बढ़ेगा, कभी भी उनको हार्ट डिजीज नहीं होगी, उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। सो इसलिए गाइस जो हेजलनट है वन ऑफ द बेस्ट नट ऑफ इंडिया। सो इसलिए आपको डेली अपनी डाइट में हेजलनट को जरूर शामिल करना है अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, अपनी हार्ट डिजीज में, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो टाइप 2 डायबिटीज होते हैं उनको हार्ट डिजीज होने के चांस लगभग 70% तक होते हैं। सो इसलिए हेजलनट को भी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें ताकि जो आपका बढ़ा हुआ डायबिटीज लेवल, आपका बढ़ा हुआ हार्ट डिजीज, HDL लेवल, LDL लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाए। सो गाइस ये थे मेरे जो 4 सुपर नट्स जिसको मैं अपनी डाइट में शामिल किया, मैंने इससे एक्सपीरियंस लिया और खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। गाइस आपको ये नहीं है कि आपको इन 4 नट्स को लेना है, आप इसमें से कोई भी नट्स को चूज कर सकते हैं। अगर आपको जो इजीली मिल जाए जैसे आलमंड्स, नट्स और पिस्ताचियो आपको बहुत आराम से मार्केट से भी मिल जाएगा, सस्ते दाम में मिल जाएगा, तो आप इन तीनों को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जो हेजलवुड अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं या उसको ले सकते हैं तो वो हेजल नट्स भी अपनी डाइट में कम अमाउंट में ले सकते हैं। और गाइस ये आज की थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको ये आपका जो मिथ क्लियर किया कि जो नट्स होते हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, आपकी डायबिटीज के लिए अच्छे नहीं होते, ये बहुत बड़ा मिथ है। नट्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें ताकि आपका आगे जाकर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आपको जैसे कि समर है तो आप इसे रात को भिगोकर और सुबह एम्प्टी स्टमक या कुछ खाकर आप इसे ले सकते हैं। विंटर में भी आप इसको रात को भिगोकर ही लें क्योंकि इसमें जो बैड मिनरल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और गुड मिनरल्स विटामिन इसमें रह जाते हैं। सो गाइस एट द एंड ये आज की मेरी वीडियो यहाँ समाप्त होती है।
अगर वीडियो गाइस आपको हेल्पफुल लगी है, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ये वीडियो देखकर आपके चेंजेस आते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि गाइस मुझे इससे ही मोटिवेशन मिलता है। और गाइस मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करें कि आपको आगे कैसी वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसकी प्रेपरेशन कर सकूं और आपके लिए आप खुद के एक्सपीरियंस से आपको उस वीडियो में आपके लिए लेकर आऊं। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि आप जैसे, हम जैसे, मुझ जैसे जितने भी और डायबिटीज पेशेंट हैं उनका भी फायदा हो सके, वो भी अपने घर बैठे आराम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स ना कर सकें, जो वो दवाइयाँ या इंसुलिन ले रहे हैं उसको कम करें प्लीज़ गाइस, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो लास्ट गाइस थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।